हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2019 में रिलीज हुआ ड्रामा हॉरर मूवी मिडसमर। एरी एस्टर का डायरेक्ट किया गया इस मूवी को आईएमडीबी मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 एंड 83% लोगों ने इसे रोटेन टोमेटोज में पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन हर दिन लाता रहता हूँ। और दोस्तों, मिडसमर मूवी के बारे में कुछ अजीब सा फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं मिडसमर मूवी की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस मूवी में एक बहुत ही अजीब तरह का कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बहुत ही अजीब सा गांव है, जहाँ पे हर 90 साल के बाद एक बार मिडसमर नाम का एक बहुत ही अजीब तरह का फेस्टिवल का पालन किया जाता है। और इस फेस्टिवल पे लोगों को जिंदा जलाया जाता है और दो लोगों को सबके सामने ही सामूहिक तौर पे इंटीमेट होने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम डेनी एडर को देखते हैं, जिसकी सिस्टर टेरी एडर ने इसे अजीब तरह का मैसेजेस करता रहता है, क्योंकि टेरी को बाइपोलर डिसऑर्डर नाम का एक डिजीज हुआ था। डैनी को टेरी की हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। अचानक से एक दिन डैनी को पता चलती है कि उसके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ के टेरी इन दोनों की फादर और मदर को मार के खुद की भी जान ले लिया है। और ये खबर सुन के डैनी बहुत ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद डैनी क्रिस्टियन ह्यूज को अपने पास बुलाती है, जो कि इसका बॉयफ्रेंड होता है। कुछ देर तक क्रिस्टियन अपनी गर्लफ्रेंड डैनी को सहारा देने के बाद वो उसके ऊपर भी चिढ़ जाता है, क्योंकि क्रिस्टियन डैनी को प्यार तो करता है लेकिन इन लोगों का रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। क्रिस्टियन अब उसे अवॉइड करने लगा है, वो उसे छोड़ देना चाहता है क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में ज्यादा दिन तक रहना नहीं चाहता है। एक दिन क्रिस्टियन अपने दोस्त मार्क पेले और जोश के साथ बैठ के चिल मार रहा होता है, जहाँ पे उसका स्वीडिश फ्रेंड पेले उन लोगों को अपनी गाँव हारगा के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि हर 90 इयर्स के बाद मिडसमर नाम का एक फेस्टिवल उनके गांव पे 9 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे दोस्तों ने मिलके उस मिडसमर फेस्टिवल पे जाने के लिए प्लान बनाते हैं। क्रिस्टियन अपनी गर्लफ्रेंड डैनी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। इसीलिए क्रिस्टियन की दोस्त पहले खुद ही जाके डैनी को अपनी गाँव हारगा जाने के लिए इन्वाइट करता है, और ये सारे दोस्तों ने वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं। जॉस भी इस मिडसमर फेस्टिवल के ऊपर एक थीसिस लिखने के लिए डिसाइड करता है। इन लोगों ने उस गाँव पे पहुँच के पहले के बड़े भाई इनगेमर से मिलते हैं, और वहाँ पे उपस्थित कॉनी और सिमोन्स नाम का दो कपिल से मिलते हैं। फिर इन लोगों ने पैदल चल के गाँव पे पहुँच के पेले के फादर और मदर से मिलते हैं, जो कि इन लोगों के साथ मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। पेले का बड़ा भाई इनगेमर इन लोगों को एक डिफरेंट तरह का चाय पिलाता है, जिससे इन लोगों को टाइम पता नहीं चलता है। जब इन लोगों ने टाइम देखते हैं तब रात के 9 बज चुका था, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने देखते हैं अभी भी दोपहर का धूप निकला हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रात होता है। ये गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ था, ना यहाँ पे बहुत ही सारा टेक्नोलॉजी, ना ही कोई गाड़ी का शोर शराबा। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही पीसफुल महसूस करते हैं। फिर इस गांव की लड़के लड़कियों ने एक साथ डांस शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस गांव की माजा नाम की एक लड़की क्रिस्टियन को पसंद करके पोक करने लगती है। पहले इन दोस्तों को गांव घुमाने ले जाता है। वहाँ पे एक हॉल पे लगा हुआ बहुत सारे इमेजेस को इन लोगों ने देखते हैं। ये क्राउन वाले इमेजेस को देख के पहले डैनी को बोलता है कि इस फेस्टिवल पे एक डांस कंपटीशन होता है, जो भी लड़की इस कंपटीशन में जीतता है उसे क्राउन पहना के गांव के क्वीन बना दिया जाता है। अगले ही दिन हमें एक अलग तरह का रिचुअल दिखाया जाता है, जहाँ पे गांव का सारा ओल्ड कपल्स एक वी शेप वाला टेबल पे बैठ के एक साथ खाना खाते हुए दिखते हैं, जहाँ पे इन लोगों में से जो सबसे ओल्डेस्ट कपल होते हैं उन दोनों को बीच में बिठा के खाना खिलाया जाता है। फिर उन दोनों को दो चेयर पे उठा के हिल टॉप पे लिया जाता है। बाकी के सारे विलेजर्स उन लोगों को नीचे से देख रहे होते हैं, और वहाँ पे एक औरत उन लोगों का होली किताब पढ़ रहा होता है। फिर ये लोगों ने उस गांव के एक पवित्र सिंबल पे अपना खून लगा के एक एक करके उस हिल टॉप से कूद जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ पे अपनी जान गवा देती है, लेकिन वो बूढ़ा सा आदमी वहाँ पे बच जाता है। उसका सिर्फ अपना पेट टूटा हुआ होता है। फिर एक गांव वाला जाके एक बहुत बड़ा हैमर लेके उस बूढ़ा के सर पे मार के उसका जान ले लेता है। दोस्तों, इस गांव का ये एक रिचुअल होता है, जिसे देख के यहाँ पे आए हुए ये सारे नए लोग ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये सारा नजारा देख के कॉनी और सिमोन्स नाम का कपल बहुत ज्यादा घबरा के ये गांव छोड़ के जाने के लिए फैसला कर लेते हैं, और ये देख के डैनी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। पहले आके उसे समझाने लगता है कि ये तो इस गांव का रिचुअल है, जिन लोगों का उम्र 72 साल हो जाता है ठीक इसी तरह से उन लोगों को अपना जान कुर्बान करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे उन लोगों की नई पीढ़ी को जगह मिल सके। फिर वो दोनों डेड बॉडी को जला के उन लोगों का अस्थियां को एक बहुत ही बड़ा पेड़ के नीचे डाला जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टियन के दोस्त मार्क से एक बहुत ही बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि अनजाने में ही सही वो जाके उस पेड़ के ऊपर पेशाब कर लेता है। तब मार्क को पहले ही ये बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मार्क इन लोगों को माफी मांग के वहां से निकल जाता है। फिर रात को हम जोश को देखते हैं उस गांव के पादरी को पूछते हुए वो होली बुक के बारे में, जहां पे उस गांव की होली रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ होता है, और वो उस होली बुक की फोटो लेने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पादरी उसे रोक ठोक मना कर देते हैं। और ठीक अगले ही दिन हम देखते हैं जब ये सारे लोगों ने मिलके बाहर बैठ के लंच कर रहे होते हैं, तब उस गांव की एक लड़की आके मार्क को वहां से बुला के अपने साथ ले जाती है। फिर मार्क को वहां से बुला के जान ले लिया जाता है,
क्योंकि उसने उस पवित्र पेड़ के ऊपर पेशाब किया था। फिर अगले रात को हम देखते हैं जब जोस उस होली बुक की चुपके से फोटो ले रहा होता है, तब पीछे से मार्क उसे बुलाता है और फिर पीछे से किसी ने उसे एक चीज से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि असल में मार्क नहीं होता है, वो दूसरा कोई होता है जो कि मार्क का मास्क पहन के जोस को यहाँ पे मारने आया था। फिर मूवी की अगले सीन में हम देखते हैं फिर अगले दिन क्रिस्टियन और डैनी ने मिलके अपने दोस्त मार्क और जोस को ढूंढने लगते हैं और वहाँ पे उपस्थित सारे के सारे विलेजर्स उन लोगों को बोलते हैं कि मार्क और जोस दोनों मिलके इस गांव की होली बुक को चुरा के यहाँ से भाग निकले हैं और ये सुन के इन लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है। कुछ देर के बाद रिचुअल के हिसाब से यहाँ के लड़कियों के बीच में डांस कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। डैनी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है और आखिरकार हम देखते हैं डैनी ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है और उसे एक फ्लावर्स वाली क्राउन पहना के इस गाँव की क्वीन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं उस गांव की एक्स लीडर क्रिस्टियन के साथ मजा नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलते हैं। दोस्तों ये भी एक रिचुअल है, इस गांव की जो भी लड़की बाहर से आया हुआ एक मर्द को पसंद करता है उसे उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है ताकि वो बच्चा पैदा करके इस गांव की जनरेशन को आगे बढ़ा सके। क्रिस्टियन को भी इस बातों पे राजी होना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक बंद कमरे के अंदर बहुत सारी नंगी लड़कियों के सामने क्रिस्टियन मजा के साथ इंटीमेट होता है। तभी क्रिस्टियन की गर्लफ्रेंड डैनी ये सब कुछ चुपके से देख लेती है और ये देख के वो जब टूट के रोने लगती है, वहाँ पे उपस्थित और भी बहुत सारी लड़कियां उसके साथ रोने लगते हैं। कुछ देर के बाद क्रिस्टियन जब बाहर निकलता है तब वो जोस के डेड बॉडी देख के बहुत ज्यादा घबराते हुए वहाँ से भागते भागते एक घर के अंदर पहुँच जाता है। उस घर के अंदर वो कोनी और सिमंस का डेड बॉडी को बहुत ही अजीब तरह से लटका हुआ पाता है। फिर वो वहाँ से भाग निकलने के चक्कर में वहाँ पे पकड़ा जाता है। और मूवी के आखिरी भाग में हम देखते हैं ये मिडसमर फेस्टिवल का 9वां दिन होता है। उस दिन सारे के सारे विलेजर्स एक बहुत ही खुला मैदान में इकट्ठे हुए होते हैं और उस गांव के लीडर बोलते हैं इस फेस्टिवल में आज आखिरी दिन है और इस फेस्टिवल में 9 लोगों को बलि चढ़ाया जाता है जिनमें 2 एल्डर्स, 4 आउटसाइडर्स और 2 विलेजर्स होते हैं और वहाँ पे 9th पर्सन कौन होगा वो वहाँ पे चुनी हुई क्वीन डिसाइड करती है। और आखिरकार हम देखते हैं डैनी वो 9वां पर्सन के तौर पे उसकी अपनी बॉयफ्रेंड क्रिस्टियन को ही चूज करता है क्योंकि क्रिस्टियन ने उसके साथ प्यार में चीटिंग किया था। दोस्तों आखिरकार एक चीज साफ होता है कि पहले उस गांव पे उनके दोस्तों को जानबूझ के लाया था ताकि उन लोगों का यहाँ पे बलि चढ़ाया जा सके। फिर बचे हुए इन लोगों को लेके एक ट्रायंगुलर घर के अंदर रख के आग से उस घर को जला दिया जाता है। बाहर सारे के सारे विलेजर्स उन लोगों को जिंदा जलते हुए देख के उन लोगों का दर्द को फील करके रोने लगते हैं, लेकिन डैनी का एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल के साथ ये मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं मिडसमर मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। डैनी आर्डर का जो कैरेक्टर प्ले किए हैं वो है 25 साल की बहुत ही फेमस इंग्लिश एक्ट्रेस फ्लोरेंस पॉ। और जो इस मूवी में डैनी का सरनेम यूज किया गया है आर्डर, लैटिन लैंग्वेज में आर्डर का मतलब फ्लेम होता है, इसका मतलब आग है, जो कि इस मूवी में इसकी कैरेक्टर को दर्शाती है। दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जान के अजीब लगेगा, ये मिडसमर मूवी है जो भी स्वीडिश कल्चर के बारे में दिखाया गया है, ये सारा का सारा स्वीडिश विलेज का सीन एक्चुअली स्वीडन में नहीं हंगरी में शूटिंग किया गया था। दोस्तों आपको मिडसमर मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड लाइक कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू गाइस, बाय बाय।